तुम आखिर जिद क्यों कर रहे हो फिर? तुम जानते हो तुम्हारी अम्मी कितनी परेशान है तुम्हारे लिए? पता है वो समझती है कि मेरी शादी होगी तो मैं बानो को भूल जाऊंगा। और जो तुम कह रहे हो क्या बानो को अच्छा लगता है? पता नहीं, लेकिन अगर वो मेरी जगह होती तो वो भी यही करती जो मैं कर रहा हूं। मैं बानो को नहीं भूल सकता। लेकिन तुम ठीक नहीं कर रहे हो हसन। तुम जो भी कहो लेकिन मेरा दिल दोबारा नहीं करता कि मैं बानो के अलावा किसी और के बारे में सोचूं। मेरे दिल में जितना प्यार था वो सब अपने साथ लेगी। अब मेरे पास किसी और को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर अम्मा चाहती है कि मैं किसी लड़की के साथ धोखा करूं तो ये मुझसे नहीं होगा। वो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती है हसन, और वो जानती है कि तुम खुश नहीं हो। तो ठीक है, अगर वो चाहती है कि मैं खुश होकर दिखाऊं तो मैं यही करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कुछ नहीं होगा। कब तक? पता नहीं, शायद सारी जिंदगी। मानो ये मेरे बीच जो प्यार था वो मेरे लिए सारी जिंदगी के लिए काफी। मुझे किसी और इंसान की जरूरत नहीं है। लेकिन खाला को है, क्योंकि वो अकेली है। तुम्हारी शादी कब होगी? मैं सही कह रहा हूं, तुम शादी करके मेरे साथ रह लेना। दफ्तर वालों ने इतना बड़ा कर दिया, हम खुश रहेंगे और माँ का भोग अरमान भी पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मंसूबाबंदी, लेकिन फिलहाल तो आप अपनी खैर मानें, क्योंकि ईद की दावत में आपकी वालदा ने हर उस जान बजान वाले को बुला लिया जिनकी बेटियां शादी के काबिल हो चुकी हैं। तुझे पता है जसवीर मां बनने वाली है? हाय, मेरा तो दिलदार मान पूरा हो रहा है। तू अपने रब से दुआ करना, मुंडा चाहिए, कुड़ी नहीं चाहिए। मैं तो हर रोज आप लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ। इतने एहसान है आप लोगों के मुझ, लेकिन यहाँ ना अजान का पता चलता है ना किबले का। अगर कहीं से कुरान शरीफ मिल ना, ना बड़ी मुश्किल बात है। गरम साहब है ना, उनके आगे दुआ कर लिया करना। अच्छा सुन, मैं जसवीर की बात कर रही थी ना, 120 दिन पूरे हो गए, अब गोद भराई के दिन आने वाले हैं। अच्छा ठीक है, आप मुझे बता देना क्या करना है, क्या पकाना, मैं सब कर दूंगी। ठीक है, तू नहा धो के तैयार हो जाए, हम गुरुद्वारे चलेंगे, पाठ करेंगे और तू मीठा पानी पी के वापस आ जाए। लेकिन मैं वहां जाके क्या करूंगी? मैं पूरा इंतजाम घर में देख लूंगी। ले भला, मैं तुझे कैसे अकेले छोड़ के जा सकती हूँ? तू तो हमारी तीर रानी है। बस तू नहा धो के तैयार हो जाए, गुरुद्वारे चलेंगे, मैं तुझे सिखाऊंगी पाठ कैसे करते हैं। लेकिन मैं पाठ सीख के क्या करूंगी? तू जसबीर की खुशी में शामिल नहीं होगी? तो मैं होंगी, लेकिन एक तो तू लेकिन लेकिन बहुत करती है। बस मैंने कह दिया, तूने मेरे साथ चलना है, जहां मैं जाऊं मेरे साथ साथ रहना है। आज ना मैं बहुत खुश हूं। बसंत सिंह।
है।